उत्तराखंड के सितारगंज में मोबाइल झपट्टा मार लोगों पर कार्रवाई करते हुए सिडकुल क्षेत्र से 3 मोबाइल झपट्टा मार लोगों को पुलिस ने चोरी के मोबाइल सहित किया गिरफ्तार। सितारगंज में लगातार बढ़ रहे झपट्टा मार गिरोह से जहां जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं सितारगंज वार्ड नंबर 7 में रहने वाले अमित कुमार ने 12 अप्रैल को सितारगंज थाना में झपट्टा मार गिरोह के खिलाफ सैमसंग फोन छीन कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने FIR नंबर 394-506 IPC की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिडकुल क्षेत्र में 3 अभियुक्तों को चोरी के 2 सैमसंग फोन सहित गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर 315 का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस सहित 2 चाकू भी तलाशी लेने पर मिले और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बिना नंबर की झपट्टा मारो के पास से बरामद हुई है। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। मोबाइल ले जाते हैं, ये 3 अपराधियों को पकड़ा गया है जिन्होंने जो है 12/3/2018 को श्री अमित कुमार का एक मोबाइल लूटा था, जिसके संबंध में जो है थाने में एक मुकदमा FIR नंबर जो है 394-506 का, उससे संबंधित एक मोबाइल और एक तमंचा 315 बोर तथा एक कारतूस जिंदा 315 बोर व 2 लोगों से एक नाजायज चाकू बरामद किए गए हैं और अभी तो उनकी गिरफ्तार न्यायालय में पेशी थी।